सरकार प्रभारी जिला सरकारी हमारे ब्लॉक में इस समय सबसे ज़्यादा जोर ODF पे, इसका मतलब खुले में शौच से मुक्ति है, खुले में शौच से मुक्ति और गंदगी से मुक्ति, इनका विशेष अभियान चल रहा है। गांव गांव में जो भी झाड़ियाँ हैं उनको काटना, घास की सफाई करना, नालियों की सफाई करवाना, एंटी लार्वा का छिड़काव करवाना और चूना पड़वाना, इस तरह की सफाई के लिए विशेष अभियान हमारे गाँव गाँव चल रहा है। और जो परिवार ऐसे हैं जिनके पास शौचालय नहीं है, जैसे जनपद में लगभग 2.5 लाख शौचालय बन रहा है और हमारे इस विकासखंड में लगभग 60,000 शौचालय बन रहा है, उस पर गाँव गाँव काम चल रहा है और सभी लोग खुले में शौच से मुक्ति होकर शौचालय का इस्तेमाल करें। इन सब बातों से लेकर के सबसे बड़ी जो एक लाभ होगा पूरे समाज को होगा कि वो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनसे जो बीमारियां फैलती हैं तो उन बीमारियों से समाज को मुक्ति मिलेगी। एक और खास बात यह है, इस समय विकास खंड में संचारी रोग से नियंत्रण करने के लिए भी इन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो कल 2 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा भी पूरे विकास खंड में के गाँव गाँव में हर मजरे में हर टोले में मनाया जाएगा और उसकी तैयारियाँ पूरी हमारी हो चुकी हैं और इसकी जन जागरण के लिए कि लोग किस तरह से सफाई रखें, किस तरह से अपने आप को मच्छरों से मुक्त रखें और हालांकि हमें जो करना चाहिए ग्राम विकास विभाग और पंचायत ग्राम विभाग की ओर से जो हमारे कराए जाने जो हमारे दायित्व हैं कराए जाने की ओर हमारे काम हम उनको करा रहे हैं और जनता को हम इसके लिए जागरूक कर रहे हैं कि जनता स्वयं में जैसे मच्छरदानी का उपयोग करें या अपने घर के आस पास जल भराव ना होने दें, कहीं कोई गड्ढा है तो उसको किसी से काट दें और अगर कोई तालाब है या कोई छोटे छोटे गड्ढे जिन्हें आप रोड किनारे खड़ी होती है उनमें हमने एंटी लार्वा भी छुड़वाया है और मिट्टी का तेल भी डलवाया है जिससे उसको मच्छर ना बैठे और मच्छरों से मुक्ति मिले। और घरों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस विकास की समाज जनता से खासतौर से ये अपील है कि वो मच्छरदानी का उपयोग करें, अपने शरीर को सोते वक्त मच्छरों से जितना दूर रखेंगे तरह तरह की बीमारियों से सुखा मुक्त हो जाएंगे। और हमारे सर्व स्वस्थ कार्यक्रम चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे ODF का अभियान हो, संचारी रोगों से नियंत्रण का अभियान हो, सबसे